वीडियो देखने से पहले क्लिक करिए सब्सक्राइब बटन पर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करिए हमारी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। आज की जो वीडियो है वो वीडियो खास होने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो हमारी पहली गूगल आईओ 2018 से रिलेटेड वीडियो है। तो आज की वीडियो में आप इतना समझ लीजिए कि आज जो भी मैं बताने वाला हूँ गूगल के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप गूगल असिस्टेंट के बारे में जानते हैं तो ये वीडियो शायद आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल और आपको थोड़ी ज़्यादा समझ में आएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं टेक्निका। हाँ, तो आज मैं बात करने वाला हूँ गूगल डुप्लेक्स के बारे में। गूगल डुप्लेक्स क्या है इस वीडियो में आपको पूरी बताने वाला हूँ गूगल डुप्लेक्स की कहानी। तो आइए बिना किसी देरी के, बिना आपका समय ज़्यादा लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप जैसे गूगल असिस्टेंट अगर आप यूज़ करते होंगे तो उसमें आप करते क्या होंगे कि आप बोलते होंगे ओके गूगल, कॉल दैट नंबर, ओपन मैप, ओपन ये ऐप, ओपन वो ऐप। तो आपके लिए गूगल असिस्टेंट वो काम करके दे देती होगी, यानी कि वो ऐप खोल के उस कॉल को रिसीव करके, यानी कॉल को कहते हैं किसी को कॉल करके, मैसेज टेक्स्ट करके, वो आपके लिए आपका जो जिंदगी का मतलब कि जो छोटी छोटी डेली लाइफ की जो रूटीन है उसको थोड़ा आसान कर देती है। तो जो गूगल डुप्लेक्स है वो गूगल असिस्टेंट का ही एडवांस वर्जन आप समझ सकते हैं। गूगल डुप्लेक्स में होगा क्या, जैसा कि गूगल ने बताया है, मतलब गूगल ने अभी थोड़े दिन पहले ही लॉन्च किया था अपना नया गूगल डुप्लेक्स अपने गूगल आईओ 2018 स्कीम में। ये गूगल आईओ स्कीम जो है वो आपको हर साल होता है गूगल के द्वारा US में। तो आप चाहे तो उसकी लाइव वीडियोस YouTube पे आती रहती हैं, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। मैं आपको डेली अपडेट्स नहीं मतलब कि आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगे गूगल आईओ की उसके बारे में मैं आपके लिए एक अलग अलग से वीडियो बनाते चल जाऊंगा। तो ये जो इस साल की जो गूगल आईओ है उसके लिए मतलब उसकी जो सबसे खास फीचर होने वाली है वो होने वाली यही गूगल डुप्लेक्स। एक थी एंड्रॉयड पी बेटा वाली और एक है ये गूगल डुप्लेक्स। तो गूगल डुप्लेक्स में होगा क्या कि जैसे हम इंसान, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा अटक रहा हूँ, थोड़ा कहीं रुक रहा हूँ, थोड़ा मतलब कुछ भी, मतलब जो भी मेरा बोलने का तरीका है उस तरह से एक आपकी जो AI को यूज़ करते हुए गूगल आपसे बात करेगा। समझ में नहीं आया तो आप ऐसे समझिए, जैसे कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, वो बोलेगा, वो अगर मुझे समझे बोलता है कि क्या कहते हैं 4 बजे आज हम पार्टी करने वाले हैं, यहाँ पे आना है, तो मैं पहले सोचूंगा शायद मैं आऊँ या नहीं आऊँ, ऐसे बोलेगा। तो सही वो गूगल डुप्लेक्स जो है वो मतलब कि एनालाइज करेगा AI के जरिए कि मैं किस तरह से बोलता हूँ, मैं मेरी जो डेली हैबिट्स है वो किस तरह की है, वो मुझसे पूछेगा भी इवन कि आपको पार्टी में जाना है या नहीं जाना है, और उसके रिस्पॉन्ड वो काम करेगा। जैसे कि गूगल आईओ स्कीम में गूगल डुप्लेक्स के बारे में दिखाया गया है, तो उसमें आपको कॉल लगा के दिखाया गया था हेयर सैलून पे, एक था आपका रेस्टोरेंट पे। तो उसमें गूगल आईओ ने मतलब गूगल डुप्लेक्स ने बहुत कमाल का रिस्पॉन्स दिया। तो सुनने में कितना अच्छा लगता है कि हमारी जगह हमारे रोबोट्स, हमारे कुछ गैजेट्स हमारी ज़िंदगी को और आसान करने वाले हैं, हम बहुत ही जल्दी फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। तो अब एक और बात बता दूँ गूगल डुप्लेक्स के बारे में, जैसा कि हमें एक लीक से पता चलता है जो गूगल डुप्लेक्स है वो अभी सिर्फ आपको नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगा। हाँ, और एक बात और सुन लीजिए, क्योंकि गूगल डुप्लेक्स जो है वो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ, अभी तक बेटा वर्जन भी उसका नहीं है, तो अभी आपको थोड़ा समय मिलेगा, बट इंडिया में आते आते इसको तकरीबन 4-5 साल और लग जाएगा। प्लस आपको जैसे ही गूगल डुप्लेक्स अगर आपका जो भी मतलब आप अपोजिट जो आदमी होगा उसे पहले ही बता दिया जाएगा कॉल से, कॉल उठते ही साथ कि आप जो बात करें वो गूगल, आपकी जो मतलब जो नेक्स्ट आवाज़ आने वाली स्क्रीन पे वो गूगल डुप्लेक्स की होने वाली है। ये कॉल रिकॉर्ड हो सकती है के सेंसिटिव, यानी मतलब कुछ भी सेंसिटिव पर्पस के लिए, तो ये पहले ही से डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब जो लिमिट है वो यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है। अब मान लो कि एक तरफ गूगल डुप्लेक्स है जो कॉल कर रहा है और एक जब जो कॉल रिसीव कर रहा है वो भी गूगल डुप्लेक्स है, तो ऐसे में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, पर उसके लिए भी गूगल ने एक बहुत ही अच्छी स्कीम बना रखी है AI के जरिए। तो आप सोच के देखो कितना मज़ा आएगा हमें मतलब कि गूगल डुप्लेक्स यूज़ करते हुए, क्योंकि बहुत बार होता क्या कि हम बात नहीं कर पाते या हम बात करने की कंडीशन में होते हैं। मान लो अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं कैसे बात कर सकता हूँ उस समय किसी से, तो ऐसे क्या होगा कि जो हमारी ड्राइविंग होगी वो भी सेफ्टी हो जाएगी, यानी कि उसमें हम किसी से बात नहीं करेंगे, बस हमें कुछ छोटे से कमांड देने होंगे गूगल डुप्लेक्स को हमारे फ़ोन को सिंपली, और खुद ब खुद सारी चीज़ें अपने आप अरेंज कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ जान लिया होगा गूगल डुप्लेक्स के बारे में और गूगल आईओ 2018 स्कीम के कुछ प्लान्स के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आपने अगर इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हर हफ्ते ऐसे ही 2 वीडियोज़ लाता रहता हूँ।